फिलहाल तो मैं हूँ अभी अमृतसर एयरपोर्ट पे। आप कहाँ जा रहा हूँ ये बाद में बताएंगे। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। एक फिर से एक नया ट्रिप शुरू होने वाला है और इस बार वैसे ये ट्रिप बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस ट्रिप में मैं फर्स्ट टाइम मेरे फुल फैमिली के साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी अब्रॉड पे। तो कहाँ जा रहे हैं? हाँ, हम जा रहे हैं दुबई ट्रैवल करने के लिए, और इस बार फुल फैमिली है हम लोग। और अभी इस वक्त हम हैं अमृतसर एयरपोर्ट पे। तो मेरा जो दुबई का फ्लाइट है, एयर इंडिया का है, वो अमृतसर से हम फ्लाइट का टिकट लिए थे। तो हाँ, अभी ये सवाल आएगा कि अमृतसर से क्यों, क्योंकि हम खुद कोलकाता में रहते हैं। अमृतसर से हम क्यों लिए थे? क्योंकि दुबई का जो फ्लाइट का रेट चल रहा है अभी, वो बहुत महंगा जा रहा है। और दूसरा चीज़ है, कोलकाता से सिर्फ फ्लाई दुबई और इंडिगो चलती है। फ्लाई दुबई इंडिगो का जो फेयर है, हम 2 महीने पहले चेक किए तो दोनों ही करीब कम से कम 22 से 23 हज़ार का फेयर था दोनों का। तो फिलहाल इसीलिए हम अमृतसर चूज़ किए हैं, क्योंकि ये यहाँ से सबसे चीपेस्ट जो दुबई वाला फ्लाइट है वो यहीं से मिल रहा था। वो था एयर इंडिया का, वो भी ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट है। और आपका ये जो प्राइस है फ्लाइट का फेयर, हम लोगों को अमृतसर से दुबई का हम 1.5 महीना पहले बुक किए थे, तो मुझे 11,500 का प्राइस आया था। तो फिलहाल तो कोलकाता से हम लोग आ गए ट्रेन करके, अमृतसर आ गए। अभी कोविड टेस्ट का जो मतलब रूल्स है, तो अभी तो रैपिड टेस्ट करना पड़ता है 6 आवर्स पहले फ्लाइट डिपार्चर का, 6 आवर्स के अंदर। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे, रैपिड टेस्ट करवा चुके हैं। अभी रैपिड टेस्ट करने के बाद वेट कर रहे, रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, 1 घंटा हो गया है। तो इसके बाद अभी पता नहीं आगे, तो इसके बाद आगे तो बस जाना है हमको चेक इन और इमिग्रेशन। टाइम है अभी थोड़ा बहुत, तो हाथ में टाइम है फिलहाल, फिर भी देख लेते हैं क्या किया जा सकता है। और दूसरा चीज़ है कि हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट ये हम बता देना चाहेंगे कि दुबई का फ्लाइट में मेरे खुद के सामने ही मतलब चेक इन तो बाद में होता है। जब आप रैपिड PCR टेस्ट करने जाओगे तो उससे पहले ही एयरलाइन वाला आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ चेक करेगा, ठीक है। तो वो चेक करके सब अगर आपको कंप्लीट मिलेगा, मतलब उसके सब अगर आपका कंप्लीट हो, मतलब रहेगा एकदम ठीक ठाक, तभी आपको बोर्ड करने दिया जाएगा, वरना बोर्डिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मेरे सामने यहाँ पर 2 बंदे का कुछ इशू चल रहा था, पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, वो RTPCR का रिपोर्ट ख़त्म हो गया था शायद, ऐसा ही कुछ इशू है। तो उन लोगों को वापस यहाँ से भेजा गया है घर। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो चीज़ हम शेयर करना चाहेंगे, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट अपडेट है कि यहाँ अमृतसर एयरपोर्ट में ये जो रैपिड PCR टेस्ट है, इसका कॉस्ट पहले था 3,300, ठीक है। तो हमको भी वही पता था, उसके बाद से हमको यूट्यूब में भी कुछ वीडियो नहीं मिला देखने को ज़्यादा कि रेट के बारे में। तो अभी हम जब आए और करवाने गए, तो फिलहाल अभी आज कितना हो गया, आज 16th of November, आज के दिन में आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रैपिड PCR टेस्ट जो होता है, इसका प्राइस अभी बहुत कम हो गया। इसका प्राइस अभी चल रहा है सिर्फ 1,400 रुपीज़। तो 1,400 रुपये में यहाँ रैपिड PCR टेस्ट हो रहा है। और दूसरा एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ अमृतसर एयरपोर्ट में कोई भी RTPCR टेस्ट का फैसिलिटीज़ नहीं है। तो RTPCR जो टेस्ट आपको करना पड़ेगा फ्लाइट डिपार्चर से 48 आवर्स पहले, तो वो जो रिपोर्ट होता है RTPCR, वो आप बाहर से लाइए। और ज़रूर इसको ध्यान दीजिए दीजिएगा कि उसमें QR कोड रहे, क्योंकि ये लोग किया मतलब शक होने से ये लोग QR कोड स्कैन करता है, ठीक है। तो QR कोड वाला RTPCR 48 आवर्स पहले वो आपको लाना है। दूसरा, यहाँ के रैपिड PCR करना है, इसका रेट अभी 1,400 हो गए। और जो दो चीज़ का कन्फ्यूजन है, वो एक तो है ओके टू बोर्ड, और दूसरा है अब ये जो ICA और GDRFA का अप्रूवल। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ हम बता देते हैं, जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो या विजिट वीज़ा पे जा रहे हो, ICA और GDRFA का अप्रूवल टूरिस्ट वीज़ा में तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये एयरलाइन वाले ने खुद कन्फर्म किया है मुझे। और दूसरा चीज़ है ओके टू बोर्ड,
ओके टू बोर्ड सिर्फ उन लोगों को करना है जिन लोगों के पास मतलब जिन लोगों का पासपोर्ट में ECR लिखा हुआ है, ECR कैटेगरी का पासपोर्ट जो भी है उन लोगों के लिए ओके टू बोर्ड का ज़रूरत है। बाकी नॉर्मल पासपोर्ट जिसका है उसको ओके टू बोर्ड नहीं चाहिए। ये जो मेरे पीछे ये जगह दिख रहा है ये है रैपिड PCR टेस्ट करने का जगह। अब जब एंट्री करोगे जब आप मतलब डिपार्चर का जो गेट है बाहर से जब आओगे एयरपोर्ट पे तो आते ही आपको राइट साइड में दिख जाएगा ये रैपिड PCR वाला जगह। वैसे बहुत अभी तो रात है, पूरा एयरपोर्ट खाली है, सिर्फ ये दुबई वाला फ्लाइट का ही पैसेंजर्स है अभी। चलो आके देखते हैं क्यों आए, तो इसीलिए वो सीट अभी अवेलेबल नहीं है तो ये लोग दूसरा सीट असाइन किया है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी इन चारों को हमसे बहुत ही दूर बैठना पड़ेगा। तो चेक इन वाज वेरी स्मूथ क्योंकि पहले ही ये लोग जब आप एयरपोर्ट एंट्री करोगे तभी ये लोग आपका रैपिड टेस्ट जब करने जाओगे उससे पहले ही ये लोग आपका सब कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेता है। उसके बाद तो चेक इन नॉर्मल जस्ट कुछ है नहीं उसमें ज़्यादा। इमिग्रेशन भी बहुत ईजी था, कुछ नहीं पूछा ज़्यादा, कुछ नहीं पूछा, होटल बुकिंग भी नहीं मांगा था। वैसे मेरा 2 दिन का बुकिंग है बाकी हम बुकिंग नहीं करवाए थे तो होटल बुकिंग भी नहीं मांगा था। रिटर्न फ्लाइट टिकट देखा मतलब मांगा था ये लोग तो वो डमी करके लाओगे तब भी चल जाएगा। तो फ़िलहाल अभी हम वेट कर रहे हैं बोर्ड करने के लिए। वैसे तो बहुत अच्छा एयरपोर्ट है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई अमेनिटीज़ बहुत कम है इस एयरपोर्ट में क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेवलिंग में यहाँ जैसे ड्यूटी फ्री अभी रात है बंद है, पता नहीं रात में ड्यूटी फ्री बंद रहता है या नहीं। ऊपर से बैठने का तो जगह ठीक ठाक है, ज़्यादा छोट मतलब कोई लाउंज तो अभी यहाँ पर ओपन नहीं है, फूड कोर्ट में ज़्यादा दुकान भी नहीं है और दूसरा चीज़ है कोई स्मोकिंग जोन भी नहीं है यहाँ पर, ड्यूटी फ्री भी नहीं है। बस यही अभी वेट कर रहे बोर्डिंग के लिए। ये है मेरे पीछे एयरपोर्ट का वेटिंग एरिया, छोटा सा एयरपोर्ट है, 7 या 8 गेट हैं यहाँ पर, बहुत छोटा एयरपोर्ट है। ये है एयरपोर्ट का ये वेटिंग एरिया है। तो फिलहाल अभी चलते बोर्डिंग करते हैं फिर। तो भाई फाइनली बोर्डिंग गेट के पास आ गए हैं। ये खड़ा है हम लोगों का जहाज, दिखाते हैं आपको बैक कैमरा, लुक एट द मैसिव इंजन, यही हम लोगों का फ्लाइट है। तो अभी फिलहाल चलते हैं बोर्डिंग गेट की तरफ, मतलब क्या बताए बुराई करना नहीं चाहिए लेकिन एयर इंडिया थोड़ा मतलब सुधार लाओ यार, इतना पंक्चुअलिटी नाम का तो कोई चीज़ भी नहीं है। दूसरा चीज़ मतलब एटलीस्ट एक बोर्डिंग गेट पे एक डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए, यहाँ पर तो एक डिस्प्ले बोर्ड भी नहीं है। ऊपर से बोर्डिंग कार्ड पे भी कोई मतलब गेट नंबर भी लिखा हुआ नहीं है, पता नहीं। चलो अभी तो लाइन लगा हुआ है।
फाइनली आ गए फ्लाइट से बाहर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये मेरे पीछे एयरपोर्ट मिलता है और अभी यहाँ से फिर से जाना पड़ेगा और एक कोविड टेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फिलहाल अभी जाते कोविड टेस्ट करवाते हैं भाई। कोविड टेस्ट करवाते करवाते तो पागल हो गए, मतलब अभी तक लास्ट 48 आवर्स में अभी तक ये जो कोविड टेस्ट होगा इसको लेके 3 टेस्ट हो जाएगा टोटल। बहुत भयंकर कोविड टेस्ट हो रहा है भाई, क्या बताएं। तब तक के लिए ये थे आप लोग दुबई एयरपोर्ट देखते रहो, बहुत बढ़िया बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और बहुत क्लीन एंड क्लियर भी है। मिलते हैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर फिर से। ये मेरे पीछे क्यों देख रहे हो, ये भाई साहब फिर से मेरा मतलब सभी का वो रैपिड PCR और RT-PCR का रिपोर्ट चेक कर रहा है। तो उसके बाद यहाँ से फिर से मेट्रो पकड़ के फिर जाना पड़ेगा। तो फाइनली भाई हो गई है इमिग्रेशन, सबको सिम कार्ड दे दिया है 1 GB का। 5 थे हैं हम लोग तो 5 सिम कार्ड मिला है। वैसे बहुत टायर्ड है, पूरा रात सोए नहीं थे, मतलब बहुत ही एग्जॉस्टेड है। तो अभी देखते हैं यहाँ से होटल बुकिंग कुछ नहीं पूछा ये लोग, और जो यहाँ पर बैठी थी वो पासवर्ड कंट्रोल में उसका तो मतलब वो तो कुछ देखा ही नहीं, जस्ट सिंपल हम गए और सिंपल पासवर्ड पर स्टैम्प लगाया, सिम कार्ड दिया, बस हो गया बात खत्म। तो इसीलिए यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ मतलब कुछ भी नहीं पूछा यहाँ पर। कोविड टेस्ट भी बहुत इजीली जल्दी जल्दी हो गया था। तो इसके बाद अभी निकल के अभी चलते हैं, ये देखते हैं मेट्रो लेके बर्दुबई तक जाते हैं, वहाँ देखेंगे कोई होटल ले लेंगे। तो ये पीछे ये देखो कन्वेयर बेल्ट, ये दुबई मतलब अराइवल इंटरनेशनल का, और इधर ही एक छोटा सा ड्यूटी। अच्छा एक चीज़ बोलते हैं, यह एक छोटा सा ड्यूटी फ्री शॉप है लेकिन भाई बहुत ओवर प्राइज्ड है। हम गए थे थोड़ा कुछ शॉपिंग करने के लिए लेकिन बहुत ओवर प्राइज्ड है, पता नहीं क्यों, कोई देखते हैं। अभी चलते हैं यहाँ से निकल के मेट्रो पकड़ के होटल। फाइनली इमिग्रेशन से सब कुछ पार करके अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं बर्दुबई जा रहे हैं होटल ढूंढने के लिए। टैक्सी नहीं है क्योंकि हम 5 बंदा है, मेट्रो में शायद ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए टैक्सी एक बार ट्राई कर लेते हैं कि टैक्सी दिखा लेते। ये हम लोगों का टैक्सी है, अब देखो दुबई में इतना महंगा गाड़ी टैक्सी नहीं है। देखो फोटो चल रहा है, फोटो देखो ये देखो फोटो सेशन चल रहा है। ये है टैक्सी, दुबई का टैक्सी है ये। हम लोग 5 बंदा है इसलिए बड़ा गाड़ी दिया था ये।